नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्फीलेन पर। मैं हूं रुद्र व्यास और जैसा कि आप लोगों को पता होगा और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कौन सी टॉप 5 बुक्स हैं जो आपको C++ अगर आप प्रेफर करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। चाहे आप बिगनर लेवल पर हैं तो आप एडवांस लेवल पर कैसे जा सकते हैं ये बुक्स के द्वारा आप पढ़ सकते हैं सब कुछ, मतलब एडवांस लेवल की बुक्स है सारी। और बिगनर लेवल के हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, जिसको कोडिंग से थोड़ा सा भी मतलब ऐसा लगाव है कि नहीं मुझे कोडिंग बड़ी पसंद है देन वो भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। जो कि आपको अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं तो आप एडवांस लेवल तक जा सकते हैं, बिगनर के हैं तो भी आप एडवांस तक पहुंच सकते हैं बुक्स के द्वारा पढ़ने के बाद। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भैया बुक्स पढ़नी ही क्यों है, जब अगर हमारे पास ऑप्शन है दूसरी दूसरी चीजों के, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, कॉन्टेंट है, वेबसाइट है, तो बुक्स क्यों पढ़नी है। देखिए बुक्स बनाई गई है पढ़ने के लिए, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसमें ऐसा मिलेगा आपको जो वीडियो लेक्चर में भी नहीं देखने को मिल सकता और ना कंटेंट देखने को मिल जाएगा। सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप उससे थोड़ा सा लगाव बढ़ाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट प्रदान करेगी। तो अगर आप बुक के साथ वीडियो लेक्चर प्लस कंटेंट को मिक्स कर देते हैं तो कुछ अच्छा ही आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए कोशिश करिए बुक्स भी पढ़िए। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे टॉप 5 कौन सी बुक्स हैं। एक एक बुक का नाम बताते हुए मैं आपको उसके पर्टिकुलर प्रीव्यूज दिखाऊंगा कि कैसी बुक्स हैं और हम थोड़ा बहुत जानेंगे इसके बारे में। अगर वीडियो पे अगर आप चैनल पर नए हैं स्पेशली तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सारी बेल आइकन होती है साइड में दबा दीजिए क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अब एक एक बुक को हम देख लेते हैं, ठीक है, नाम भी जानते हैं और थोड़ा प्रीव्यू भी देखते हैं उसका, और जैसा कि आपको फील अच्छा लगे मैं हर बुक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। जैसा कि आपको साइड में दिख रहा होगा टॉप 5 बुक्स फॉर C++, ठीक है, तो इस पर सीक्वेंस नहीं है, ये बेस्ट बुक्स है, ठीक है, अपर ऊपर नीचे कुछ मैटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बुक है लेटेस्ट C++ बाय यशवंत कानेटकर। अगर आप बिगनर लेवल के हैं देन मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूंगा कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, इसकी लैंग्वेज बड़ी आसान है, ठीक है, मैंने खुद ने ये बुक पढ़ी इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको। अब मैं थोड़ा इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप प्रीव्यू की बात करें तो इसका प्रीव्यू देखिए, आप इसका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका और सब कुछ जानते हैं। देखिए सबसे पहले फ्रंट पेज आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट C++, ठीक है, और इसमें इसने पूरा आपको क्लासीफाई कर रखा है चीजों को। देखिए ग्रेजुएटिंग टू C++, सब चीजें फंक्शंस के नीचे आते जाए नीचे आते जाए, इनके टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम कुछ टॉपिक अगर देख लें इसके अंदर तो आप डायग्राम से देखिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है वो आप क्लियरली मेंशन करके बता रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे, मतलब आप इस बुक को बहुत अच्छे से प्रिफर कर सकते हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज बड़ी आसान है, मैं इतना जरूर कहूंगा, ठीक है। ये हमारी पहली बुक है जो हम प्रिफर करना चाहेंगे, अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप प्रिफर कर सकते हो, इंटरमीडिएट लेवल के तो भी आप प्रिफर कर सकते हैं। अब जो सेकंड बुक जो हमें देखनी चाहिए, जो मैं खुद आपको बोलूंगा, जो मैंने खुद ने पढ़ी, देखिए ये दो बुक तो मैंने पढ़ रखी है और एक और भी आगे पढ़ी है, एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय C++ विद C++ ई बालाग्रफॉर्मिंग, ठीक है। देखिए कॉलेज लेवल पर अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो ये बुक इतनी प्रिफरेबल है ना, हर बंदे से आप पूछोगे तो वो बोलेगा कि नहीं बालाग्रफॉर्मिंग पढ़नी चाहिए। यशवंत कानेटकर इजी लैंग्वेज है, बालाग्रफॉर्मिंग डिटेल्ड है, ओके, यशवंत कानेटकर भी डिटेल्ड है बट बालाग्रफॉर्मिंग उससे भी अच्छी है क्योंकि MCC पर भी डिटेल करती है बात। अब अगर हम बात करें देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++, ठीक है, ये आपका है यशवंत मीन्स ई बालाग्रफॉर्मिंग की, इसको थोड़ा प्रीव्यू करके दिखा देता हूं मैं आपको। इसका फ्रंट पेज आपको देख रहा है, ये बुक एक मैं कहूंगा इसलिए भी अच्छी क्योंकि मैग्रो हिल की है, इसका पूरा मतलब सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है, मैग्रो हिल की है। तो देखिए इसके नीचे आते हैं कंटेंट, आप देखिए पूरा से डिस्क्राइब कर रखा है अच्छे से कंटेंट को, सारे सब कुछ कवर कर रखा है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ रखा है इसमें, ठीक है, सब कुछ कवर्ड है। और अगर हम कॉन्टेंट की बात करें तो अब नीचे देखते हैं अभी तक तो इनका पूरा वही चल रहा है, देखिए टोटल 17 इन्होंने सेक्शन डिवाइड कर रखे और उसके अंदर सब सेक्शन है। देखिए इसमें आपको फ्लो चार्ट देखने को मिल रहा है जो आपको थोड़ा सा ऐसा दिखाता है कि ओके है ना, कि लेयर्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो कैसे होती है, डायग्रामेटिकली समझा रखा है चीजों को, ठीक है, आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे इसके अंदर, तो प्रेफरेबल है बुक भी अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है देन वेल एंड गुड, अगर कोई बच्चा नहीं खरीदना चाहता है तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी सी बुक्स की पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। तो एक बुक हमने यशवंत कानेटकर देख लिया, दूसरी ई बालाग्रफॉर्मी है। अब हम तीसरी बुक पर चलते हैं, ठीक है, तीसरी बुक जो है अब मैं कहूंगा जिसकी वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी है वो प्रेफर करेगा ज्यादा अच्छी रहेगी, C++ प्राइमर, ठीक है, फिर प्रीमियर 5th एडिशन, ये लेटेस्ट है अभी इसका, मतलब जितना मैंने अभी सर्च किया है सबसे लेटेस्ट एडिशन ही है। तो इस बुक में भी बट इस बुक की सिर्फ एक बात है कि मैं कह रहा हूं ना वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि फॉरेन राइटर जब होता है ना कोई बंदा तो फिर यार वो जिस हिसाब से लैंग्वेज लिखते हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए और थोड़ा सा मतलब उस पर कमांड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगर हम इसके प्रीव्यू की बात करते हैं तो हम इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं, देखिए इसका ये फ्रंट पेज है, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, बेस्ट सेलर सिंस 1986, मतलब कब की चली जा रही है ना, तो बहुत अच्छी बुक होगी है। हम इसको थोड़ा सा देखते हैं नीचे जाकर, बुला कंटेंट देखते हैं इसका,
देखिए आप गूगल बुक से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको खाली प्रीव्यू देखने को मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, इसके कुछ जैसे टोटल एक बुक में 3000 पेजेस, तो कुछ 600 पेजेस ही खुलेंगे। तो अगर आप अभी अरेंज नहीं कर सकते तो कम से कम 600 पेज तो पढ़िए। ठीक है, देखिए सब कुछ इसने डिस्क्राइब कर रखा है स्टार्टिंग से, पूरा गेटिंग स्टार्टेड, फिर उसको सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और अब ये थोड़ा डिटेल लिखते हैं, और बुक डिटेल होती भी है। ठीक है, तो ये थोड़ी डिटेल लिखते हैं, आपको समझना होगी इस बात को। ठीक है, अगर आप कॉन्टेंट देंगे तो ऐसे आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। जैसे एरे पर हम क्लिक करते हैं, तो एरे अगर हम टॉपिक खोले तो देखिए फिफ्थ स्ट्रिंग वेक्टर एरे ने डिस्क्राइब कर रखा है। देखिए मैं आपको पर्सनली फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप ईव एलग्रोस्वामी और अश्विन कैरेक्टर के साथ जा सकते हैं, और अगर तीसरी बुक आपको अगर प्रेफर करनी है तो आप सी प्रीमियर पर भी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए बुक्स थोड़ी महंगी होती है, तो अगर नहीं खरीद पा रहे हैं आप तो कोई इशू नहीं है, आप गूगल सर्च करिए, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। नहीं मिल पा रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप रिव्यू पढ़ लीजिए। नेक्स्ट बुक पर हम चलते हैं। नेक्स्ट बुक है द सी प्लस प्लस द कंप्लीट रेफरेंस फोर्थ एडिशन। देखिए ये बुक जावा के लिए भी आती है, और बहुत ही शानदार बुक है ये। थोड़ी सी आपको मोटाई में दिखेगी बट बहुत अच्छी बुक है। इसको मैं थोड़ा प्रीव्यू आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं साइड में, टाटा मैग्रो हिल की एडिशन है। ठीक है, टाटा मैग्रो हिल की, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम होता है। देखिए मैं ऐसा भी कहूंगा, आप कभी पब्लिशर पर जाएं तो पियर्सन फॉलो कर सकते हैं, टाटा मैग्रो हिल फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स होती है। ठीक है, ये फोर्थ एडिशन की बुक है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, फाउंडेशन डिस्क्राइब कर रखा, सी प्लस प्लस के बारे में है, स्टैंडर्ड फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में डिटेल्ड है, मतलब ऐसा नहीं कुछ छोड़ रखा है इन्होंने। ठीक है, फिर कंटेंट के अंदर और डिस्क्राइब कर रखा, देखिए पूरा आपको डिस्क्राइब देखोगे तो बहुत बड़ी बुक है। ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत मोटी बुक भी है ये, तो थोड़ी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और संयम भी चाहिए, अगर आपको पढ़ना है तो संयम चाहिए। ठीक है, इसके टोटल पेजेस अगर हम देखें तो आपको इसमें देखने मिल जाएगा 1009 पेजेस। ठीक है, और अगर इसकी जैसे अगर ई बुक की बात करें तो इसका कॉन्टेंट तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर जाने के बाद। ठीक है, पेज काउंट जैसे इसमें लिखा है 1023 है, मैग्रो हिल की बुक है और पब्लिश 1995 में हुई थी। ठीक है, तो देखिए प्रीव्यू के लिए 222 पेजेस है, तो अगर नहीं खरीद सकते बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्ट इस बुक से यहां से पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाला बच्चा कहीं से पढ़ सकता है। ठीक है, तो आप यहां से प्रेफर कर सकते हैं। ओके, लास्ट नॉट बट द लीस्ट, हम एक लास्ट बुक पर हमारी चलते हैं, और लास्ट बुक है हमारी जिनके खुद फाउंडर है सी प्लस प्लस के, उनके द्वारा लिखी गई द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं। वो मतलब इतने बच्चों के द्वारा प्रेफर की गई है। देखिए लास्ट इसका मतलब ये नहीं बेस्ट है, सब कुछ है, मतलब मैंने बोला ना पांचों बुक बेस्ट है। ठीक है, तो आप कोई सी प्रेफर कर सकते हैं, जो सी आपको मिल रही है, जो सी आप खरीद सकते हैं। ये बुक बहुत ही शानदार है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि अगर फाउंडर खुद बुक लिख रहा है तो कितना वाइड नॉलेज होगा उस बुक में, कितना डिस्क्राइब कर रखा होगा हर टॉपिक को, कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। ठीक है, इसका एक बार हम प्रीव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसा आपको साइड में देख रहा होगा ई बुक, देखिए ई बुक की प्राइस क्या है, 2248 रुपए सिर्फ ई बुक की प्राइस है। ठीक है, और फ्रंट कवर आप यहां से लिखेंगे तो देखिए एब्स्ट्रक्शन मैकेनिज्म देखते हैं आप, तो इसमें फिर चैप्टर्स अंदर डिस्क्राइब कर रखे हैं। ठीक है, ये क्लासेस को फिर अलग डिस्क्राइब कर रखा है, देखिए मतलब बहुत ही डिस्क्राइबल वे में दिखा रखा है, मतलब बहुत ही डिटेल वे में। ठीक है, आप देखिए और अंदर जाते जाइए, बहुत ही ज्यादा है। मैं मानता हूं बुक पढ़ना थोड़ा टफ है, टफ नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप वीडियो देख लेते हैं, बट मैं आपको प्रेफर फिर भी कहूंगा कि आप बुक करिए। बुक करेंगे तो नॉलेज ही एनहेंस होगा, बिगड़ेगा कुछ नहीं। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में तो आप एनहेंस कर सकते हैं अपने नॉलेज को। ठीक है, तो ये है टॉप 5 बुक्स जो मैंने आपको भी बताई है। मैं डिटेल नहीं बता पाया ज्यादा इस चीजों में, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, पर अगर आप टॉपिक के बुक से नाम भी देख सकते हैं तो आप इनमें से प्रेफर कर सकते हैं। मैं अभी भी कहूंगा अगर बिगनर लेवल पर है तो शुरू की 2 बुक्स यशवंत कानेटकर के द्वारा और ई बालगोस्वामी के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी बेस्ट है सी प्लस प्लस फॉलो करने के लिए एटलीस्ट। और अगर आप चैनल पर प्लीज नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।